हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आर वीडियो। तो ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे सी के बराबर और एक्स ग्रेटर देन जीरो पे समथिंग है। तो हमें यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यूज बतानी है और आपको ये बोल रखा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस। उस केस में क्या हो जाएगा, हम लोग पहला वाला फंक्शन लेंगे साइन ऑफ वन प्लस ए इंटू एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब हम चाहें तो उस एक्स को अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक्स और ये एक्स कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये पूरा एक साथ है, ये साइन का एक पूरा फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, अगर हम लोग वन प्लस ए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें और साइन वन प्लस ए इंटू एक्स एज इट इज रहने दीजिए। बगल में एक और फंक्शन है तो वो अलग, उसके लिए लिमिट हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। तो अब देखिए ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। ऑल राइट, तो यहाँ से ये पूरा वन हो जाएगा और यहाँ पे भी देखिए वही फॉर्मेट बन रहा है, जो साइन के बगल में फंक्शन है वही सेम यहाँ पे नीचे भी है, तो ये भी वन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वन प्लस ए कॉन्स्टेंट भी बच रहा है तो ये हो जाएगा वन प्लस ए इंटू वन प्लस ये वाला एक वन, यानी कि ए प्लस टू के बराबर। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, राइट हैंड लिमिट देखते हैं। चलिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन बी इंटू एक्स क्यूब का अंडर रूट। ठीक है, यही है। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो जो कॉमन चीज़ है वो आउट ले लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो अंदर देखिए यहाँ पे एक्स कॉमन है, अंदर आ जाएगा वन प्लस बी एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन बी इंटू एक्स क्यूब का अंडर रूट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, अभी देखिए ये ऐसा क्यों लिखा है, ये अभी आपको पता चलेगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, यहाँ से रूट एक्स बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा वन प्लस बी एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन बी इंटू, अब देखिए यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा x के बराबर, क्योंकि पेयर बन रहा है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पेयर बन रहा है, इसको बाहर ले लिया x इंटू अंडर रूट एक्स। अब देखिए ऊपर से रूट x कॉमन लिया जा सकता है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन प्लस बी एक्स माइनस वन अपॉन बी इंटू एक्स रूट एक्स। तो यहाँ से रूट x और रूट x कैंसिल हो गया। अब जो हमारे पास फंक्शन आया है उसको हमें रैशनलाइज करना होगा क्योंकि यहाँ पे रूट आ रहा है अंदर, तो वन प्लस बी एक्स अंडर रूट के अंदर माइनस वन अपॉन बी इंटू एक्स। अब हम लोग रैशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट वन प्लस बी एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस बी एक्स प्लस वन। तो देखिए ऊपर एक फॉर्मेट बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी का, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए इस केस में क्या है, ये वाला पूरा, तो अंडर रूट वन प्लस बी एक्स का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा यानी वन प्लस बी एक्स बचेगा माइनस बी स्क्वायर। इस केस में बी क्या है, वन के बराबर, तो वन का स्क्वायर वन ही रहेगा और नीचे आ जाएगा बी इंटू एक्स इंटू अंडर रूट वन प्लस बी एक्स प्लस वन। तो देखिए ऊपर कैंसिल हो गया वन और साथ ही साथ बी एक्स ऊपर भी है और नीचे भी, वो भी कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में। तो क्या बचेगा, सिंपली वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस बी एक्स प्लस वन। अब हम लोग यहाँ पे x की जगह जीरो पुट कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस बी इंटू जीरो प्लस वन। बी इंटू जीरो जीरो हो गया और रूट वन का मतलब वन ही होगा, यानी वन अपॉन वन प्लस वन दैट इज टू। तो ये आपकी राइट हैंड लिमिट आ गई। इसके साथ ही f एट जीरो आपको क्या गिवन है, c के बराबर। तो तीनों को इक्वेट कर देते हैं, कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है जीरो पे। LHL, RHL और एफ एट जीरो ये सभी बराबर होंगे। LHL का मतलब क्या है, ए प्लस टू, RHL इज इक्वल टू वन बाय टू
एंड एफ एट जीरो इज सी। कंपेयर करिए इन दोनों को तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी -3/2 और सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। लेकिन आपको बी की वैल्यू भी निकालनी है, तो बी यहाँ से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन फंक्शन से देखिए ऊपर जो फंक्शन गिवन है यहाँ पे अगर हम लोग बी की जगह डिनोमिनेटर में जीरो पुट कर देंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब बी की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं एक्सेप्ट जीरो, यानी ऑल रियल नंबर्स -0 ये बी के लिए हो जाएगा, बी विल बी इक्वल टू रियल नंबर्स -0। तो ये इसका फाइनल आंसर है, ए बी और सी की वैल्यूज आ गई हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।